मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप जानते हैं, जो भी आपके पास एक मैग्नेट में इसमें इनवर्ट जा रही होती है। अब जरा गौर करें, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सोर्स है। सपोज हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है, ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस तरफ में एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर देता हूँ। उस बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप जानते हैं नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में इस तरह से जा रही है। ऐसे इसमें से आउटपुट मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे थे, और ये जो मुझसे गलती से ये इंटरसेक्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ पोल में से निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है। अब जरा देखें, इसके आगे मैं एक छोटा सा एरिया रख देता हूँ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पर ये एरिया मौजूद है, तो इसमें से देखिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। अगर मैं इसको आगे आगे मूव करता जाऊँ ऐसे ऐसे, देखिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास कर रही है वो इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ से मैं इसको और इसके करीब लेके आऊँ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे मैं अवे जाता जा रहा हूँ, तो इस एरिया में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती जा रही। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होकर बाहर आती हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होकर बाहर आ जाती हैं, उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका जो सिंबल है वो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। और मैग्नेटिक फ्लक्स ये उसका सिंबल है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, अच्छा इसका जो फार्मूला है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब आपको पता है कि अगर कोई क्वांटिटी स्केलर हो तो वो लाजमी बात है दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होती है। और जब आपको ये भी पता है कि जब भी कोई डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो उसकी जगह हम कॉस थीटा लगा देते होते हैं, आपको ये भी मालूम है। हम देख लेते हैं कि आपके पास जो फ्लक्स है, अगर हम ये आपके पास बी ए कॉस थीटा, अगर हमारे पास एंगल 0 का आ जाए तो आपके पास जो बी ए, सपोज के बी ओ की वैल्यू भी 10 है, ए की वैल्यू भी 10 है और कॉस 0 पे 1 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। इसी तरह से हम दूसरा केस देख लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos 30 पे 0.866 के बराबर होता है।
और ये 10 × 10 × 0.866 हो जाएगा, और ये 100 × 0.866 तो ये 86.66 आ गया। एक और केस देख लेते हैं जिसमें फ्लक्स जो है वो आपके पास फ्लक्स और एरिया के बीच, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्रीज का आ जाता है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड 10 है, एरिया भी 10 है, कॉस 45 में पुट कर देता हूँ। तो ये 70.7 हो जाएगा। अगर मैं एंगल को 45 की जगह 60 कर दूं तो ये 10 × 10 × cos 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 × cos 60 0.50 होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 50। आप यहां से देखें, हमने डिफरेंट एंगल्स को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक एंगल हम और अप्लाई कर लेते हैं जो कि हम इसको लास्ट केस समझ लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ये 10 और cos 90 कर देते हैं। cos 90 जो है वो आपको पता है 0 के बराबर होता है और इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहां से देखें, फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू 0 कब आई, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वेक्टर एरिया, नॉट अ स्केलर एरिया बट इट्स अ वेक्टर एरिया। इस केस में देखें, फ्लक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा उस वक्त आ रही है, ये 100 है, ये 86 है, ये 707 है, ये 50 है, सबसे ज्यादा उस वक्त आ रही है जब एंगल 0 का है। एंगल 0 होने का मतलब है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है। और जब ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो उस वक्त आपके पास फ्लक्स आपस फ्लक्स और एरिया आपस में पैरेलल हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो मिनिमम फ्लक्स पास करता है। अब इसके सूरत हाल मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स हमें कैसे पता चलता है, अब इसको जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कोई एरिया है, इसको वेक्टर एरिया बनाने के लिए मैं इसके आगे एक नॉर्मल प्लॉट कर देता हूँ ऐसे, जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये तो एरिया है, लेकिन जब उसके साथ एक डायरेक्शन लग जाती है तो फिर वो एरिया नहीं रहता, वो वेक्टर एरिया बन जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से आ रही है ऐसी, अब देखें जो वेक्टर एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ब्लैक और रेड एरो के बीच में जो एंगल है वो 0 का बन गया। और जब आपने देखा एंगल 0 का होता है उस वक्त आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है। ये देखिए, पैरेलल होंगे तो फ्लक्स आपके पास सबसे ज्यादा, ये आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स पास है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको पैरेलल रख दूं तो पैरेलल की शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ऐसे, और इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो कुछ इस तरह से बना होगा ऐसे।
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं पास करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं पास हो रही है ऐसे। अब वेक्टर एरिया इज एक्चुअली उसकी डायरेक्शन के साथ ये तो परपेंडिकुलर है और जो सरफेस में से फ्लक्स है वो जीरो पास है, इसलिए हम कहते हैं वेक्टर एरिया और फ्लक्स अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो कम से कम फ्लक्स पास करेगा, और अगर वेक्टर एरिया और ये आपस में पैरेलल हो जाए तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है, और ये अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो मिनिमम फ्लक्स पास करता है। आपने अभी पढ़ा कि फ्लक्स इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया और अगर मैं ऐसा करूं कि इसी फ्लक्स को ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको एरिया से डिवाइड कर दो जिसमें से ये पास कर रहा है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बी होगा। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी।